ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ टाइम घट है क्योंकि जरा सीमेंट सी हो गया टाइम फटाफट मैं दो चार गल्लां ने कर दिना। पंजाब वसदा गुरां दे नाम चीज आप बहुत बारी सुनते हैं जिहड़ी चीज असीं ज्यादा सुनते हैं या ज्यादा देखते हैं रोज देखते हैं उसकी अहमियत उसकी वैल्यू उसकी कदर थोड़ी जी घट हो जाती साडे दिमाग के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जिदा अं इतने रहने अं समुद्र नहीं देखा जो तो समुद्र के नेड़े जाने शाम होंगी है सूरज ढल रहा हों डूब रहा हों आसमान लाल हों एक नारियल का दरख्त लग्या हों असि वो देख के कहने कि सोहना नजारा है उसे ही वन सबनिया फोटो खिंचते हैं लेकिन जोड़ा उसे रोज रहा उत्थे ही रहिंदा उहनू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि वह रोज देखदा। ते पंजाब वसदा गुरां दे नाम जिहड़ी फिलोसफी है जो बाबे नानक ने फिलोसफी शुरू की थी वो की सीगी लंगर दी क्यों सीगी क्योंकि उस समय शिखरां दे सीगा जात पात ते बाबे नानक ने वो खत्म किया। वो अज भी इंडिया के अंदर दो कम्यूनिटी ने एक दलित और एक मुस्लिम उन्होंने अगेंस्ट जो क्राइम है पंजाब दे विच मैं प्राउड ना एक गल कहना पंजाब दे विच इन्हां कम्युनिटीज के खिलाफ जो अगेंस्ट इन्हां दे क्राइम होंदे उस दे विच सब तो घट क्राइम पंजाब दे होंदे। प्राउड करदा मैं इस धरती दे उत्ते इसका एग्जाम्पल के तौर पर यूपी के अंदर कई बार यह बंदे मैं बोल सकते हैं कि नहीं जी पंजाब च भी होंदे है अगर तुम ये गल बोलते हो मेरी सलाह है एक बार राजस्थान या एक बार यूपी हो के आ जाओ। राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री मंदिर की सीढ़ियां चढ़न तो कॉर्नर फड़ के लाता थी पंजाब जिदा नहीं हो सकता पंजाब च किसी दलित नूं रोकिया नहीं जा सकता किसी भी चीज तो। एक दलित घोड़े ते चढ़िया सीगा पिछले हफ्ते की गल है जो 100 पुलिस वाले की निगरानी दे विच उन्हां दी सिक्योरिटी दे विच घोड़े ते गया। पंजाब दे विच कभी ऐसा नहीं होया कोई दलित घोड़े से की हाथी से भी जाना चाहे सानू परेशानी नहीं होती। हिजाब का केस होया कर्नाटक के एक कुड़ी अपना सिर ढक के फेस कवर करके एक मर्यादा दे विच उन्हां दी मर्यादा है उहदे विच जा रही है इहदे विच की तकलीफ है किसी को। एक कर्नाटक हो सकता किसी होर भी जगह से हो सकता पंजाब से नहीं हो सकता। पंजाब के गुरुद्वारे में भी तुम आ कई वीडियो देख सकते हो जिसे नमाज पढ़ता होगा कोई ना कोई। मैं प्राउड करना कि अभी उस धरती तो हाँ क्योंकि इतने बाबे नानक का फलसफा उ चलता पाया अजे भी चलता लोगों के खून के अंदर अजे भी है। उस फलसफे ने जिहड़ी सरकार तकलीफ होती है क्योंकि मान साहब उस फलसफे के उपर अगे लैके जा रहे हैं और दीप सिद्धू भाजी बहुत वड्डा नाम है मनु भी अंदाजा नहीं सीगा यार इन्ना वड्डा आदमी साडे नेड़े सीगा उहदे जान ते पता लग्या। 13 तरीक नूं मैं मिलिया सीगा 13 तरीक नूं उहनां दे लास्ट जिहड़े जो गल हुई उन्होंने सिर्फ एक ही गल कॉमन थी कि आप मान साहब को जिताना। मेरे लिए आखिरी हुक्म भी उन्होंने आही थी कि मान साहब को जिताना। मैं क्या ही मैं भाजी मेरे थोड़ा काम है कल मैं जरा मुझे रुकना पैना कहते नहीं भाई जाना पैना तो मान साहब की सपोर्ट करनी है। मान साहब किसी भी तरह का हर हाल में जितने चाहिए बब्बर शेर साढ़ा 40 साल तो लड़ रहा है साड़ी कौम भी उन्होंने साथ भी दी इस बार साथ देना पूरा दे जिताना है। ये मेरे लिए साड़ी जी जथेबंदी है वाइस पंजाब से उस जथेबंदी वास्ते जिसके हमारे रमीत सिंह मोटरवाल भाजी गुरप्रीत भाजी साढ़े काजला साहब जिले भी काजला भाजी
ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਤਨ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਰੀਮ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਭਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ क्योंकि उसके आखिरी समय के सिर्फ एक ही गल डिस्कस कर रहे मान साहब मान साहब मान साहब अज उसे आखिरी ड्रीम आखिरी इच्छा के तौर पर ही मैं कह सकता मैं तुहानू रिक्वेस्ट करना है साडा एक शेर साडा एक बब्बर शेर पिछले 40 साल तो लड़ रहा है साडे लई जे असी कदर नहीं की तो लख लानत है साडे उत्ते दीप सिंह तेरी सोच दा ज्यादा ज्यादा गल्लां नहीं करनियां सिर्फ आही तुहानू बेनती है तुहानू हाथ जोड़दा तुहानू तुहानू सिर तुहाडे पैरां च रखदा साडा जरनैल हारना नहीं चाहीदा इस धरती दे उत्ते अमर गड्डी धरती दे उत्ते साडे साडे कलंक नहीं लगना चाहीदा मैं वादा करवा सकदा तुहाडे कोलों वादा करवा सकदा तुहाडे कोलों